श्री गणेशाय नमः। मैं आचार्य हिमांशु पण्य पुनः लेकर उपस्थित हूँ आपका दैनिक राशिफल डेली वज इंडिया के कार्यक्रम एस्ट्रोबज में। आज हम पुनः जानेंगे कैसा रहने वाला है आज आपकी राशि के जातकों का दिन, किसका आज होगा भाग्योदय और किसके जीवन में आने वाली हैं आज के दिन समस्याएं, कौन सी वो राशि होगी जिसे आज महा उपाय करने पर शीघ्रातिशीघ्र अधिक लाभ की प्राप्ति होगी, और कौन वो राशि होगी जिनके बुरे फल कथन के पश्चात भी महा उपाय करने पर उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी, और साथ ही जानेंगे क्या है आज का पंचांग, क्या है आज का राहु काल और क्या है आज का शुभ अभिजित मुहूर्त, और साथ ही जानेंगे क्या है आज के दिन विशेष। ले आरंभ करते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 13 सितंबर सन 2021। आज का पंचांग इस प्रकार से रहने वाला है। भाद्रपद माह की सप्तमी तिथि दिन सोमवार जो सायं 5:07 तक रहने वाली है। आज अनुराधा नक्षत्र प्रातः 11:20 तक रहने वाला है। इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र का उदय होगा। आज भद्रा सायं 5:03 से रात्रि 3:34 तक रहने वाली है। भद्रा का वास स्वर्ग में होगा, इस कारण से यह किसी भी कार्य में निषेध नहीं है, इसका दोष नहीं माना जाएगा। अब जानते हैं आज के दिन विशेष क्या है। आज मुक्ताभरण सप्तमी है जिसे संतान सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माताओं के द्वारा संतान की वृद्धि के लिए व्रत और पूजन किया जाता है जिससे उनकी संतान का भविष्य उज्जवल हो और उनके वंश की वृद्धि हो। अब जानते हैं क्या है आज का राहु काल। आज का राहु काल प्रातः 7:30 से 9:00 प्रातः तक रहने वाला है। आज का अभिजित मुहूर्त 11:40 से 12:29 मध्यान्ह तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा आज के दिन आपकी राशि का हाल। आरंभ करते हैं प्राय की तरह ही मेष राशि से। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज कुछ अच्छा तो कुछ बुरा आपके जीवन में घटित होगा। आज आपको आपके व्यापार में घाटा हो सकता है। आज आपका मन कुछ अरिष्ट होने के भय से भयभीत रहने वाला है, परंतु आज आपको साथ ही आपके शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति भी होगी। कई कार्य बिगड़ेंगे परंतु प्राप्ति के कारण कई कार्य बनने भी वाले हैं आज आपके। आइए अब चलते हैं हमारी अगली राशि वृष राशि की ओर। आज कोई अनैतिक परंतु आपको संतुष्टि देने वाला समाचार प्राप्त हो सकता है। यह संतुष्टि आपको किसी नैतिक कार्य से नहीं, किसी अनैतिक कार्य के समाचार से प्राप्त होने वाली है। आज का दिन आपके लिए कष्टकारी व्यतीत होगा। आपके कार्यों के कारण श्रेष्ठ जन आपसे दूरी बना सकते हैं। जब आप अनैतिक कार्य पर प्रसन्न होंगे तो निश्चित तरह श्रेष्ठ जन आपसे दूर ही होंगे, और साथ ही आपकी पत्नी या पुत्र से आज कलह के भी योग बनते हैं। तो आज के दिन आपको चाहिए पत्नी और पुत्र से किसी बात को लेकर विवाद ना करें और किसी अनैतिक कार्य का सहयोग ना करें जिससे आपका दिन अच्छा व्यतीत हो। आइए अब चलते हैं हमारी अगली राशि मिथुन राशि की ओर। आज आपको धन की प्राप्ति और खर्च दोनों होने वाले हैं, पर साथ ही आपको आरोग्यता की भी प्राप्ति होने वाली है, अर्थात आपको किसी रोग से छुटकारा, किसी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। आज के दिन आपको मित्रों के द्वारा कष्ट मिल सकता है। आज आपकी संतान से आपके विवाद होने के कारण आपको कष्ट की प्राप्ति होती दिखती है। तो आज के दिन आपको चाहिए आप किसी विवाद में ना पड़े, अन्यथा आज का दिन आपके लिए कष्टकारी प्रतीत होता है। आइए अब चलते हैं हमारी अगली राशि कर्क राशि की ओर। आज का दिन आपकी राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आज आपको यात्रा में कष्ट मिल सकता है, साथ ही आपका किसी स्त्री से विवाद भी हो सकता है। शारीरिक समस्या भी आज आपको कष्ट देने वाली है, साथ ही शत्रुओं का भय भी आज आपको परेशान करता रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए कतई अच्छा नहीं व्यतीत होने वाला है।
आज के दिन आपको चाहिए कि भगवान के नाम का स्मरण कर महा उपाय करें और अपने दिन को श्रेष्ठ बनाएं। आइए अब चलते हैं हमारी अगली राशि सिंह राशि की ओर। आज आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है, साथ ही शत्रुओं पर विजय की भी प्राप्ति होगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता में आज के दिन सम्मिलित होते हैं तो निश्चित ही आज के दिन आपको सफलता मिलती दिख रही है। आज आपको धन लाभ के भी योग हैं, परंतु आज एक कोई अनचाहा भय जिसे आप सोचते भी नहीं हैं वह आपके मन को दुखी कर सकता है। तो आज के दिन आपको भयभीत नहीं होना, निश्चित ही आज का दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। आइए अब चलते हैं हमारी अगली राशि कन्या राशि की ओर। आज आपकी समाज में ख्याति होने वाली है, आपको चारों ओर से ख्याति प्राप्त होगी, परंतु आज आपको बुद्धि भ्रम की भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और इस जयकार में आपके धन की हानि भी हो सकती है। जो समाज में बहुत सारे चटुकार लोग आपके आसपास होंगे तो वह निश्चित ही आपके लिए दुखदायी होगा और आपके धन के लिए हानिकारक भी होगा। साथ ही आज आपको संतान से संबंधित कष्ट भी मिलने वाला है। आइए आरंभ करते हैं हमारी अगली राशि तुला राशि के बारे में। आपको आज के दिन किसी विवाद में पराजय का सामना करना पड़ सकता है और जिसके कारण आप स्वयं को लाचार महसूस करेंगे और आज आपके धन के नाश होने के भी योग हैं। दिन आपको धन का प्रयोग बहुत ही सोच विचार करके आज के दिन करना है, अन्यथा आपका धन व्यर्थ में ही जाने वाला है। आप कहीं आज के दिन धन का निवेश ना करें और साथ ही किसी को उधार भी ना दें वरना वह धन आपका डूब सकता है। आज आपके किसी स्त्री से विवाद होने के भी आसार हैं और साथ ही आज के दिन आपको आपके बंधुओं के द्वारा भी कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको चाहिए कि अपने ऊपर संयम रखें जिससे आपके कोई कार्य बिगड़े ना। आइए अब चलते हैं हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आपका निश्चित ही भाग्योदय होने वाला है। आज आपको धन की प्राप्ति होगी, साथ ही रोजगार में सफलता भी मिलने वाली है। अगर आप कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपको शीघ्र आज के दिन नए कार्य का आरंभ कर देना चाहिए जिससे निश्चित ही आपको दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे। आइए अब चलते हैं हमारी अगली राशि धनु राशि की ओर। आज आपको सभी प्रकार का सुख प्राप्त होने वाला है, सभी प्रकार का सुख मिलेगा, परंतु एक सुख है जो आज के दिन आपको दुखी कर सकता है, वह सुख है आपका संतान सुख। आज आपको संतान से संबंधित कष्ट मिल सकता है और धन का अनर्गल व्यय भी हो सकता है। आज के दिन आपको धन खर्च करते समय बहुत विचार करना है और साथ ही संतान से कोई भी बात करते समय सोच विचार करके ही उससे कुछ कहना है जिससे आपके संबंध ना बिगड़े और आपका धन भी अनर्गल व्यय ना हो। आइए अब जानते हैं हमारी अगली राशि मकर राशि के बारे में। आज के दिन आपके कार्यों में विघ्न आ सकता है और कार्य क्षेत्र में आपको आज के दिन रुकावट का भी आभास होगा। रोग के कारण आपका मन आज शोकग्रस्त रहने वाला है, अर्थात आज आपका मन उदास रहने वाला है, परंतु इन सब के मध्य आज कोई एक संदेश, कोई आपके अपने द्वारा प्रदत्त संदेश आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाला रहेगा। आइए अब जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। आज का दिन आपके लिए बहुत ही उलझन भरा रहने वाला है। आज आपका कोई कार्य बनेगा तो कोई कार्य बिगड़ेगा, कहीं से लाभ आएगा तो कहीं से नुकसान की भी स्थिति बनती दिख रही है। आज आपका आपकी स्त्री और पुत्र से किसी कारण मोह भंग हो सकता है, अर्थात आपको अपने स्त्री और पुत्र ही पराये से प्रतीत होते दिखेंगे। आइए अब जानते हैं हमारी अगली राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जो जातक हैं, आज आपको पद की प्राप्ति होने वाली है, परंतु इसके लिए आपका विरोध भी किया जाएगा। पद के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। समाज से आज आपको सुख मिलने वाला है और साथ ही समाज में सम्मान की भी आज के दिन आपको प्राप्ति होगी, परंतु इस व्यस्तता के कारण आज आपको शारीरिक कष्ट का भी आभास होता दिखेगा, आपके शरीर में पीड़ा हो सकती है। तो ये था आज का राशिफल, कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन।
आइए अब जानते हैं क्या होगा वो महा उपाय जिसके करने से निश्चित ही आज के दिन आपका अच्छा और कल्याण होने वाला है। आज का महा उपाय है, आज श्रद्धा या सामर्थ्य के अनुसार भोजन बनाकर भगवान गणेश को भोग लगाएं और संभव हो तो उस भोग में मोदक अवश्य रखें और इसके पश्चात किसी दीन व्यक्ति को या किसी सूर अर्थात जिसके नेत्र ना हो नेत्रहित व्यक्ति को भोजन कराएं। यह कोई दान नहीं है, यह आपका कर्म है। किसी दिव्यांग के प्रति समाज के प्रति आपका कर्तव्य है, परंतु यह कर्तव्य आज आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्य कल इसी समय इसी स्थान पर आप सबसे पुनः मिलूंगा और हम जानेंगे क्या होगा कल आपका राशिफल और साथ ही जानेंगे क्या होगा कल का महा उपाय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।